भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड टीम से 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन दोनों ही टीम की हार को टाल ना सके। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप अभियान खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने बताया कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में करीबी मैच हारने के बाद भारतीय ऑलराउंडर जडेजा का दिल टूट गया था। बता दें कि न्यूजीलैंड से मिले 240 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और टीम ने पहले 3 विकेट मात्र 5 रन में गंवा दिए थे। 100 रन से पहले टीम के 6 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद थे। यहां से उन्होंने टीम इंडिया की पारी को संभाला और 59 गेंदों में 77 रन की धमाकेदार पारी खेली। दोनों के साझेदारी के दम पर भारत जीत के काफी करीब आ गया था। एक इंटरव्यू में रिवाबा जडेजा ने बताया उनके पति हार के बाद काफी दुखी थे। वो बार बार कहते रहे कि अगर मैं आउट ना होता तो टीम इंडिया को जिता सकता था। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप जीत के इतने पास होकर हारते हो तो ये दिल तोड़ने वाला पल होता है। सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा की शानदार पारी पर रिवाबा ने कहा कि मैं उनकी ऐसी पारी से बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूँ। उन्होंने भारत के लिए हमेशा ही बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जडेजा के 2013 में चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में किए प्रदर्शन को भी याद किया। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में रविंद्र जडेजा को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।